सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा और आज हम बात करेंगे ट्रिक ऑफ 45 की। सो आज मैं आप लोग के साथ एक ट्रिक शेयर करने वाली हूँ जिसका नाम है ट्रिक ऑफ 45। ट्रिक ऑफ 45 का मतलब है कि ये 45 जो है वो एक न्यूमेरिकल नंबर है और इस नंबर से हम चार पांच चीज़ों की लंबाई याद करेंगे। मतलब चार पांच चीज़ें ऐसी हैं जिसकी लंबाई 45 सेंटीमीटर ही होती है। 45 सेंटीमीटर या 45 सेंटीमीटर कहेंगे हम, उसकी लंबाई हम जो है एक ट्रिक से याद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये ट्रिक ऑफ 45 आखिर है क्या, हम इसकी बात करते हैं। तो आपको स्क्रीन पे एक ट्रिक दिख रही होगी, पल्स, PULSE, पल्स। पल्स का मतलब ये है पी फॉर डिस्टेंस बिटवीन फोटोथेरेपी लाइट एंड बेबी, यू फॉर लेंथ ऑफ द अम्बेलिकल कॉर्ड, L for length of the baby, S for length of the spinal cord and E for height of the enema can। इन पांचों चीज़ों की जो लंबाई होती है वो आपकी 45 सेंटीमीटर जो है वो होती है। जो आपका फोटोथेरेपी मशीन होता है और जो बेबी होता है, इन दोनों के बीच में कितनी लंबाई का डिस्टेंस होना चाहिए या कितना डिफरेंस होना चाहिए, तो वो 45 सेंटीमीटर का जो है डिफरेंस होना चाहिए। अम्बेलिकल कॉर्ड, बेबी का जो अम्बेलिकल कॉर्ड होता है, बच्चे का जो अम्बेलिकल कॉर्ड होता है, वो 45-50 सेंटीमीटर हम एवरेज मानते हैं कि इतना लेंथ जो है वो नॉर्मल लेंथ होता है। एल फॉर लेंथ ऑफ द बेबी, जो बेबी की लेंथ होती है, जो बच्चे की खुद की लंबाई है, वो 45 से लेके 50 सेंटीमीटर जो है हम नॉर्मल मानते हैं जब बेबी बर्थ होता है। फिर है एस, एस से स्पाइनल कॉर्ड, जो स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ होती है वो भी हम 45 सेंटीमीटर मानते हैं। ई फॉर एनिमा कैन की हाइट, जो एनिमा कैन की हाइट होती है फ्लोर से लेके और जो कैन के बीच की जो लंबाई है, मतलब कितना होना चाहिए, तो वो 45 सेंटीमीटर जो है वो होना चाहिए। सो ये था आपके सामने ट्रिक ऑफ 45। तो आज हमने बात की ट्रिक ऑफ 45 की। अगले वीडियो में मैं फिर से आप लोगों के लिए कोई एक नई ट्रिक लेके आऊँगी और जिससे आपको चीज़ें एक ही बार में याद हो जाएंगी। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ़ यू and keep watching and study well।